नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश जाड़ी। सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है। लेकिन कम्युनिटी बाजार जानने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी ओमिक्रॉन और लॉकडाउन का डर सता रहा है, आपको अपने दुकानदारी की चिंता है, तो आपको अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके द्वारा आप लॉकडाउन में भी अपनी सेल को बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। इस ऐप के जरिए आप अपनी सेल को सिर्फ बचा ही नहीं सकते बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। तो करना छोटा सा काम होगा, फटाक से फ़ोन उठाना है, माई बिग ब्लिस ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर पर जाकर, और उस पर अपना एक स्टोर बना लेना है। आप जो भी सामान बेचना चाह रहे हैं, चाहे कपड़े हो, फल हो, सब्जियां हो, जो भी आप बेचना चाह रहे हैं उसका स्टोर बनाना है, अपने प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं, फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ना ही आपको कोई एक रुपया देना है, किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी, और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़े। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, गृहिणी भी हैं, तब भी आप इस ऐप से फ़ायदा उठा सकते हैं और भरपूर लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से आज के कम्युनिटी बाजार के अपडेट की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना इस वक्त $1792 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, और सिल्वर भी $22 के आसपास ट्रेड करती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ और ये जो ओमिक्रॉन दूसरा डॉलर, इनके में घटबढ़ जो चल रही है उसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उन पर एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता नज़र आ रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा था कि सोना चांदी $1800 के ऊपर निकला था, ठीक ठाक रेंज देखने को मिली थी, वहाँ से कुछ तेज़ी की उम्मीद बनती नज़र आई थी। लेकिन फिर अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ओमिक्रॉन डॉलर और फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पर अब कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $69 पर 1% की तेज़ी के साथ और ब्रांड क्रूड ऑयल $72 पर 0.25% की तेज़ी के साथ। देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में बीते कारोबारी सप्ताह के मुकाबले इस कारोबारी सप्ताह में जो लेवल्स हैं वो थोड़े कम ही देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है उसकी। दूसरा, ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैलता नज़र आ रहा है। ब्रिटेन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन काफ़ी ज़्यादा पैर पसारता नज़र आ रहा है। लॉकडाउन वाली परिस्थितियाँ विदेशों में बनती नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होती नज़र आ सकती है। अभी मार्केट में ऐसे सेंटीमेंट्स बनते नज़र आ रहे हैं, जिस दिन केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस दिन सेंटीमेंट्स नेगेटिव बन जाते हैं, जिस दिन केसेस कम रहते हैं उस दिन सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर उठापटक का माहौल देखने को मिलता रहता है। बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाज़ार हरे निशान पर है लेकिन मिले जुले रुझान के साथ है। तो आज सोना चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स के बाजार में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं सोने चांदी ने फिर से एक लोअर रेंज पकड़ ली है $1800 के नीचे वाली, आपको क्या लगता है क्या सोने चांदी में उठापटक का माहौल ये आगे भी साल के अंत तक जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल, ये वाला साल तो इसी रेंज में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2022 में इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, तो उसके ऊपर काफी जो है वो डिपेंडेंसी रहेगी। और दूसरा, ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट, ये भी अभी फिलहाल काफी अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए, ओमिक्रॉन की चिंताओं के बावजूद केंद्रीय बैंकों द्वारा महंगाई का सामना करने के लिए महामारी के दौर से जुड़ी राहत वापस लेने के साथ सोना 3 साल में पहली बार, अब देख जो ईयर एंड हो रहा है, पहली बार नुकसान देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला है, आपको आप देखेंगे कि जो सोना $1800 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, अब वापस से वो ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है और एक बार फिर से रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 1720। माना ये जा रहा है कि जब 1820 के ऊपर सस्टेन करेगा तब लंबी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वही ओमिक्रॉन की तेजी के फैलने के कारण यूरोप के कुछ हिस्सों में अब लॉकडाउन लगाए जाने से हमने देखा है कि एशियाई शेयर मार्केट भी लुढ़के हैं। वही डोमेस्टिक भारतीय बाजार भी हमने देखा है कि कल अच्छी खासी गिरावट जो है हमें मार्केट्स के अंदर आती हुई दिखाई दी। तो अभी जो है काफी डाइसी वाली स्थिति बनी हुई है मार्केट्स के अंदर, और जिस तरीके से ओमिक्रॉन अब अपने पैर फसारता नजर आ रहा है उसके चलते एक बार सभी मार्केट्स क्रैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
माना यह जा रहा है कि अभी सोना फिलहाल इस साल के एंड में 1780 से 1820 की जो है रेंज के बीच में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर 1820 डॉलर के ऊपर निकलता है तो इसमें एक तेजी की उम्मीद की जा सकती है, एक बेहतरीन तेजी फिर सोने के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन आज फिलहाल इंट्राडे की अगर हम बात करें तो इंट्राडे में भी बाजारों के अंदर दबाव बना रह सकता है और ऊपरी स्तरों पर बाजार थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सोना 47,800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, फेब्रुअरी वायदा तो 48,200 के आसपास है, अभी करंट लेवल से 200 से 300 पॉइंट की करेक्शन अभी और बनती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज चांदी भी नीचे में 60,800 के आसपास एक बार सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती है, तो शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, जैसा आपने अभी बताया कि सोना 1780 से ऊपर में 1820 डॉलर तक ट्रेड करता नजर आ सकता है, ये रेंज देखने को मिल सकती है, ये तो इंटरनेशनल की बात रही। बात करें अगर घरेलू वायदा की, तो घरेलू वायदा में सोने की क्या रेंज रहेगी? देखिए घरेलू वायदा में ही मैंने बताया कि 47,800 से लेकर 48,200 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। जी इसी रूपा जी, बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हम देखते हैं कि जिस दिन ओमिक्रॉन की केसेस ज्यादा आते हैं, ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं, उस दिन सेंटीमेंट्स नेगेटिव बनते हैं और क्रूड की जो मार्केट है वो डूबती नजर आती है, गिरती नजर आती है। वहीं से जिस दिन केसेस थोड़े संभलते नजर आते हैं, उस दिन थोड़े सेंटीमेंट्स पॉजिटिव बन जाते हैं। अभी देख रहे हैं कि अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है, उसकी पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे क्रूड में गिरावट रहेगी या फिर ऐसी उठापटक का माहौल रहेगा? देखिए जहां तक क्रूड की बात है, अभी देखिए क्रूड के अंदर ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से दबाव जो है वो बनता हुआ कल के कारोबारी सत्र में दिखाई दिया, लेकिन आज वापस से कीमतें संभलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से कच्चा तेल अब 70 डॉलर की राह पर चल पड़ा है, 70 से 72 डॉलर ये रेंज पकड़ ली है। वही ओमिक्रॉन का ही इम्पैक्ट है, अगर जैसे ही कुछ खबर निकल कर आती है कि ओमिक्रॉन फैलता हुआ नजर आ रहा है और लॉकडाउन की स्थिति बन रही है तो कच्चे तेल में प्रेशर आ जाता है, और अदरवाइज थोड़ा सा ईज ऑफ आता है तो कच्चा तेल वापस से बाउंस बैक दिखाने लगता है। अभी जो है ट्रेंड काफी जो डाइसी स्थिति में है और कच्चा तेल अभी जो रेंज पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो 72 डॉलर से 75 अपर साइड में और नीचे में 68 से 65 की रेंज है, यानी कि ये मान के चलिए 10 डॉलर की रेंज के बीच में फिलहाल कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, 65 डॉलर से लेकर 75 डॉलर ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। आज इंट्राडे में बाउंस बैक आ रहा है और ऊपर में 5320 से लेकर 5400 तक फिलहाल कच्चा तेल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाउंस बैक के चलते एक बार एक्सपेक्टेड है कि यहां से 150 से 150 रुपए की अपसाइड मोमेंटम कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। जी ये सर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में खबरें हैं कि कॉपर की जो इन्वेंटरीज है वो थोड़ी लो है लेकिन लो रहने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गिरावट बनती नजर आ रही है तेजी की वजह। हालांकि आज हरे निशान पर ही है लेकिन इतनी भी कोई ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर के अंदर। आपको क्या लगता है ओमिक्रॉन का असर बेस मेटल्स पर कितना रहेगा? देखिए बेस मेटल्स के ऊपर अभी जो अखिलेश जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेस मेटल भी मुझे लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव है। बेस मेटल में भी अभी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम अगर चाइना की स्थिति देखें तो चाइना के अंदर अभी जिस तरीके से एनर्जी संकट था वो अभी थोड़ा सा कम होता दिखाई दिया है और उसकी वजह से एक पॉजिटिवनेस इसके अंदर आती हुई देखने को मिली है। एलएमई पर भी एल्यूमिनियम का भाव हमने अपने हायर लेवल पर पहुंचते हुए देखा है, जिंक भी एलएमई पर अच्छे मतलब तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है, लेड में भी तेजी है, कॉपर में भी तेजी है। दरअसल चीन से मांग बढ़ने की वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन में कोयले की सप्लाई बढ़ी है, एनर्जी संकट जो है वो लगभग खत्म होने की उम्मीद पर है और मैन्युफैक्चरिंग के डाटा जो निकल कर आ रहे हैं चाइना के वो भी काफी सपोर्टिव है। तो इसके बाद से लगता है कि अभी बेस मेटल जो है वो पॉजिटिव ही रहते हुए ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ ओमिक्रॉन का अगर इम्पैक्ट फैलता है तो छुटमुट गिरावट उसके चलते एक बार बाजारों में देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफी बेस मेटल पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि जो कॉपर जनवरी वायदा है वो 760 तक ऊपर जा सकता है। निकल की बात करें तो एज यूजुअल जैसे कि 1560 से लेकर 1580 की रेंज फिलहाल निकल में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक क्या रहेंगे आपकी तरफ से आज इंट्राडे के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर? देखिए आज नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर अखिलेश मुझे लगता है कि सेफर साइड तो अभी फिलहाल बेस मेटल ही नजर आते हैं, बेस मेटल्स में बाय करके चला जा सकता है। दिसंबर वायदा कॉपर की बात करें तो ऊपर में 760 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। आज इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में क्रूड को भी बाय कर सकते हैं, 5320 का शॉर्ट टर्म जो है वो टारगेट लेकर चल सकते हैं। जी
तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, जाना रूपा जी से कि आज नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या रहेंगे और नॉन एग्री कम्युनिटीज़ का बाजार कैसा रह सकता है।